फ्रंट की सीट है, ये रहा फॉग लैंप। कपलर टू कपलर लगता है हमारा, ये कपलर निकल गया, वायरिंग ठीक है। तो इसमें रूफ रेल इंस्टॉलेशन हो रही है, इसके लिए रूफ वगैरह खोलनी पड़ती है। ये इसमें देख सकते हैं इसके प्रॉपर ये बोल्ट से टाइट बोल्ट आ गया इधर। अब इसके ऊपर हमारा लगता है बोल्ट ठीक है। फॉग लैंप, फॉग लाइट और फ्रंट सेंसर, सेंसर और ये फ्रंट की प्रॉब्लम क्या है? अब ऑन हो गई, ऑन हो। गाड़ी हाइट ज्यादा है, इस गाड़ी में चढ़ने के लिए हमें फुट रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। काफी हाइट ऊपर है इस गाड़ी की, ठीक है। वो OZ2 के अंदर कैमरा ठीक है क्या? ये है 17 इंचेस, ये है 18 इंचेस। ZL अगर हम बनाते हैं तो इसमें हेड लाइट ठीक ठीक है, सिंगल सिंगल की अलग अलग 65% डिस्काउंट भी, ये भी आप ले सकते हैं। रूफ रेल भी अवेलेबल है सिल्वर, टॉप मॉडल वाला Z8 वाला। किसी भाई को चाहिए टॉप मॉडल वाली चाहिए, उन भाई की। तो उन भाइयों के लिए हम लेके आ चुके हैं। आ गया, काफी दिनों बाद देख रहा हूँ। ट्विटर सैश अब बना कम्प्लीट, पूरा पियानो सनग्लास होल्डर, वूफर इंस्टॉल करवाना है वो भी आ चुका है। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जय ऑटो रामा रोड, चामुंडा भैया सोनू भाई अपने साथ हैं। और आज क्या दिखा रहे हो? वो ये भी जो क्रेज चल रहा है Z2 का, ठीक है। स्कॉर्पियन Z2 महिंद्रा बिग डैडी, स्कॉर्पियन है बिग डैडी, ठीक है, बिग डैडी ऑफ SUV। तो अब दिखाते हैं आज अपने पास N कितनी है, क्लासिक है अपने पास। गर्मी इतनी है पूछो मत, अभी देख सकते हो बाहर धूप कैसा का है, मचा है, ठीक है। तो अपने पास आज आ रखी है स्कॉर्पियन Z2। हाँ अभी महिंद्रा का सामान आया है, ठीक है, ये रहा सारा जन। तो ये रही अपनी Z2, इसमें क्या हो रहा है आज? इसका सीट कवर लग रहा था, ठीक है। सीट कवर्स अपने वही ब्राउन, ठीक है। इसमें बकेट फिटिंग नहीं हो रहा, सीट कवर तो है Z1 वाला, पर बकेट फिटिंग नहीं हो रहा, सीट की सिलाई नहीं खुल रहा, ठीक है। नॉर्मल फिटिंग, नॉर्मली फिटिंग कर रहा है, बट नॉर्मल फिटिंग की क्वालिटी नहीं है। तो अभी फ्रंट से एक बार, अच्छा ये फ्रंट की सीट है, थोड़ा बोले तो कितना, ठीक है, ये फ्रंट की सीट है, थोड़ा बहुत बकेट में थोड़ी सी टाइट फिटिंग हो जाती है इसकी। फ्रंट से फॉग लाइट भी शुरू है, फॉग लैंप अपने लग चुके हैं। फॉग लैंप तो आते ही नहीं है, Z6 तक नहीं आते, फॉग लैंप लगा रहे हैं, स्टार्ट लग्जरी में आते हैं, ठीक है। क्या फॉग लैंप ने Z8 से शुरू होता है, इधर Z8 से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। ये देखो फॉग लैंप, ये रहा फॉग लैंप, कपलर टू कपलर, कपलर टू कपलर लगता है हमारा, ये कपलर निकल गया, वायरिंग है, ये कपलर हमारा प्लग एंड प्ले है, फॉग लैंप आपकी जल जाएगी। और इसकी वायरिंग देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से हुआ है, नीड एंड क्लीन, ठीक है। टाई बेल्ट से बांध रखी है पूरी, सेंटर में हमें कटी नहीं दिखी वायर, ठीक है। सेंटर से यहां से आपको नीड एंड क्लीन, ठीक है। जो भी काम होता है प्रॉपर तरीके से होता है, 10 नंबर की बोल्ट टाइम पर किया जाता है, देख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर बोल्ट से लॉक करा हुआ है, हां, ये नहीं कि कोई चाइना पेच वगैरह, चाइना पेच ऐसा नहीं होता, ठीक है। फ्रंट से कुछ ग्रिल वगैरह अपग्रेड कर रहे हो आज? रूफ रेल की इंस्टॉलेशन हो रही है, तो इसमें सिल्वर वाली लग रही है आज, जैसे लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था उसमें ब्लैक ही लगाई थी, फुल ब्लैक, ठीक है। तो इसमें रूफ रेल इंस्टॉलेशन हो रही है, इसके लिए रूफ वगैरह खोलनी पड़ती है, ठीक है। रूफ वगैरह खोल के फिर इंस्टॉलेशन होती है प्रॉपर, जैसे कि बाकी वेरिएंट्स में नहीं है कि रूफ को खींच दिया साइड से, तोड़ मोड़ के जुगाड़ कर रहा हूं ऐसे कुछ, ठीक है। तो आज इसमें स्पॉइलर कुछ लगा रहे हो? स्कॉर्पियो तक में नहीं किया, तो ये तो N है, ठीक है। तो अंदर से एक बार कंडीशन दिखा देते हैं, तो इसके ये पेंटेड भी नहीं आते, ये कुछ कर रहा है, इसमें साइड हमारा फुटरेस्ट लग चुका है, ठीक है। फुटरेस्ट भी नहीं आता कंपनी से, तो ये भी इंस्टॉल कर दिया हमने, जो जेन्युइन आता है महिंद्रा टॉप मॉडल वाले, ठीक है। फ्लोरिंग इसके अंदर अपने 90 फ्लोरिंग कर दी, तो 90 फ्लोरिंग पूरी कर दी और फ्लोरिंग अभी चल ही रही है, और इसमें सीट कवर्स वगैरह सारी चीज़ें लग रही है। देख रहे हो सोनू भाई कितना हेल्प करवा रहे हैं, सीट टाइट करवा रहे हैं, साथ में बड़े मेहनत में लग करते रहते हैं। सोनू भाई क्या कर रहे हो, सीट फिटिंग कर रहे हो, ठीक है। अभी हम लड़कों पे ध्यान दे रहा है कि सही बोल्ट टाइट हो रहा है नहीं हो रहा, ध्यान देना पड़ता है। तो थोड़ी सी सोनू भाई ना हमारे लड़कों पे ध्यान दे के रखता है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है सोनू भाई टाइट कर रहे हैं आज, ध्यान दे रहा है कि किस तरीके से हो रहा है, लड़के कोई ढीले तो नहीं छोड़ रहा, ठीक है। लोअर गार्निश लगेगी इसमें,
अभी तो काम चालू हुआ है। ठीक है, तो इसमें पेंट टेंट नहीं आता ना, एलॉयज मिलेंगे आपको, कुछ नहीं मिलेगा, जैसे जैसे काम होता रहेगा दिखाते भी रहेंगे। अंदर यहाँ से डंडी भी नहीं मिलता, साइड मिरर ये देख सकते हैं ऐसे होता है इसमें। तो इसमें अभी कुछ है ऑप्शन लगा रहे हो? हम तो पहली वीडियो में पूरे के पूरे पर्दा खोल दिए थे। ठीक है, पहली वीडियो पूरी दिखा दी थी, पूरी दिखा दिए थे। लोग क्या था, पहले स्टेप चलता हम डायरेक्ट चढ़ गए, अब धीरे धीरे कुछ रहने वाली है गाड़ी की, जो जो होता रहेगा वो स्टेप बाय स्टेप दिखाते भी रहेंगे। और क्या चीज इसमें आपको मिलने वाला है, मैं आपको सारा पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाऊंगा। आज पार्ट्स भी दिखाएंगे जो इसके अंदर रह गए हैं, हाँ जो इसमें लग सकते हैं पार्ट भी दिखाऊंगा इसके अंदर में। अभी काम थोड़ा सा होने देते हैं फिर दिखाते हैं। फाइनली अपनी Z2 का काम कम्प्लीट हो गया। हो गया Z2 इसे तो Z2 ही बोलेंगे, नहीं बोल सकते ठीक है। तो इसमें जो जो काम हुआ आप दिखाते हैं क्या क्या कर दिया इसके अंदर हमने। इसके अंदर फ्रंट फेस से हमारा जो होगा सिर्फ फॉग लाइट सेंसर और एक क्रोम किया गया। ठीक है, फॉग लैंप, फॉग लाइट और फ्रंट सेंसर, सेंसर और ये फ्रंट की क्रोम किया गया। ठीक है, फॉग लाइट ये नहीं है कि सिर्फ फॉग लाइट लगा, इसका तो मैं कॉम्बिनेशन से ऑन नहीं करूँगा, इसको भी कॉम्बिनेशन से ऑन किया हूँ, दिखाता हूँ। सिर्फ इग्निशन में आपको DRL जलता हुआ दिख रहा है, हमें ठीक है। इसमें जैसा हम दिखाते हैं शो करते हैं, हेडलैम्प्स पूरी ऑन करके फिर फॉग लैम्प ऑफ कर दिया। ये नहीं चला, अब ऑन हो गई, ऑन ऑफ। ठीक है, जैसे कहते हैं कॉम्बिनेशन से चालू करना। ठीक है, वरना फिर पार्किंग से ही होती है वो ऑन ऑफ। अरे नहीं कि फॉग लाइट का स्विच हमें बंद करना पड़ेगा, जैसे मैं हेडलाइट पूरी बंद किया तो फॉग लाइट अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, वो पार्किंग से एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो बात करें फ्रंट के, फ्रंट में से इतना ही काम है। ठीक है, और साइड से कुछ साइड प्रोफाइल आपको मैं दिखाता हूं, लेफ्ट साइड पे आ जाओ। साइड प्रोफाइल के अंदर इसके अंदर व्हील आर्च को में, ठीक है, एक साइड की बिडिंग आपको देखने को मिलेगा, एक व्हील कवर मिलेगा इसके अंदर। अगर क्रोम में बात करूँ तो इधर मेरा फ्रंट क्रोम है, एक अपना हो गया हैंडल के बाउल, आउटर फिंगर गार्ड हो गया इसमें। ठीक है, इसमें हमने पेंट नहीं करा हुआ, नहीं किया अभी इसमें, नहीं किया हमने। डोर वाइजर हो गया और फुटरेस्ट होगा। सबसे पहले क्या होता है कि गाड़ी हाइट ज्यादा है, इस गाड़ी में चढ़ने के लिए हमें फुटरेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, काफी हाइट ऊपर है इस गाड़ी की, जनरल हो गया और रूफ। ठीक है, वो भी बोल्ट सिस्टम वाला अपना। ठीक है, तो ये है महिंद्रा जेन्युइन की खासियत, प्रॉपर बोल्ट से फिटिंग हुआ, ना लीकेज कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, लीकेज की पूरी तरीके से गारंटी होगी। ठीक है, आज आपको स्कॉर्पियो NN रेड में नहीं दिखेगा क्योंकि कंपनी वाला इंस्टॉल करा हमने, कंपनी वाला इंस्टॉल है। और ये जो है Z6 वाला, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने Z4 वाला दिखाया था जो ब्लैक था, ये पीछे सेफ्टी वाले का लग के आया था। ठीक है, ये लग के आया था, टेल अपलाइंस क्रोम ऑफ में। ठीक है, टेल लाइट क्रोम अगर चाहिए आपको अवेलेबल है। पीछे हम इसे बोलेंगे नंबर प्लेट के ऊपर की गाड़ी है। ठीक है, हाँ, ये सिल्वर वाली, इसे हम टेल गेट क्रोम बोलते हैं, बट अगर सिंपल भाषा में बोले तो हम इसे नंबर प्लेट के ऊपर वाली गाड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, ये किधर कैमरा लग गए हैं, और Z2 के अंदर कैमरा आपको दिखा रहे हैं, मतलब कैमरे में हर मॉडल में दिखा दिया आप, हर मॉडल में दिखाएंगे, और सेम उसी स्क्रीन में Z2 में कंपनी लगा के दी है। ठीक है, तो मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। और इसके अंदर जो काम हुआ है, एक सीट कवर, स्टीयरिंग कवर। ठीक है, इसके अंदर सीट कवर्स वही अपने जो N में इंस्टॉल हाँ, करते हैं, बट ये बकेट नहीं हुआ है। ठीक है, ये सेमी बकेट है, हाँ, ये देख सकते हैं इसकी फिटिंग ऐसी होती है। सॉफ्ट टच हुआ इधर, सॉफ्ट टच सेम ब्राउन में, 70 मैट और नीचे फ्लोरिंग, 90 फ्लोरिंग करी हुई थी उसके ऊपर, हाँ, हमने मैट्स इंस्टॉल करे हुए हैं और ये वेलकम लाइट। ठीक है, वेलकम लाइट फ्रंट टू में ही आती है स्कॉर्पियो N की। स्टीयरिंग कवर लगा इसके अंदर और हमारे कैमरा देख सकते हो, ये कैमरा है कुछ, ये कुछ क्वालिटी आने वाली है कैमरा की, स्क्रीन HD नहीं है। ठीक है, अगर HD स्क्रीन होता तो हम कैमरा HD डालते, ये नॉर्मल स्क्रीन की वजह से हमें नॉर्मल कैमरा डालना पड़ा इसके अंदर। ठीक है, कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उस साइड से आता हूँ एक बार दिखाता हूँ। सो एक बार इंटीरियर दिखाते हैं, इसमें जैसा चामुंडा भैया बता रहे हैं इसमें HD सपोर्ट नहीं करता, फिर ये कलर सेटिंग करने के बाद में ये लुक आया इसका। ठीक है, कलर की सेटिंग करने के बाद ये है कुछ लोग, हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें एंड्रॉयड चेंज करवा सकते हो, हाँ,
अगर Z2 में करवाना हो तो ऑप्शन है अपने पास अवेलेबल, इससे अच्छी क्वालिटी के एंड्रॉइड्स भी अवेलेबल है अपने पास, काफी अच्छी चीज भी है मेरे पास आएगी, ठीक है। और अगर 360 भी एक्टिवेट करवाना है सारी चीजें हो जाएगी लगवा सकते हो रूफ लाइट। तो अभी हम चीजें दिखाएंगे Z2 वाले में, हाँ। भाई और क्या लगवा सकते हैं इसके अंदर, तो सीट कवर की क्वालिटी कुछ हमने दिखाई दी थी आपको, ये कुछ क्वालिटी रहने वाली है सीट कवर की, सेमी बकेट है ये देख सकते हैं, फिटिंग अच्छी नहीं है, ये सेमी बकेट है, नॉर्मल ऐसे पहना है ये, ठीक है। तो नॉर्मल बस इसको वो करा है, बट टक इन नहीं करा हुआ जो हम कट करके लगाते हैं, और एक स्टीयरिंग कवर लगा, ठीक है। स्टीयरिंग कवर अपना फोर कट वाला या नॉर्मल है ये? नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल वाले स्टिचिंग में करा हुआ है, क्वालिटी देख सकते हैं स्टिचिंग, कैमरे की क्वालिटी भी दिख गया आपको, कैमरे की क्वालिटी हमने दिखाई दिया, जो कंपनी नहीं दे रही हमने लगा दिया इसके अंदर, ठीक है, उन्हीं के OEM सिस्टम में हमारी फाइट चल रहा है कंपनी से, अगर हम देंगे नहीं और हम कर रहे हम देते रहेंगे, हम देते रहेंगे, हमारे लिए सोच रही है कि वो हमारे लिए सोच रहा है कि थोड़ा सा जेऑटो को भी दें, हमारे लिए कुछ खा का मालिक, कंपनी अच्छी है कि चलो कमा खा ले। तो आज इसमें सेंटर वाला कंसोल हमने लगाया है, ज्यादा काम नहीं किया गया, बस इसको एक नॉर्मल मॉडिफिकेशन हम बोलेंगे, ठीक है, एक बेसिक जो Z2 वाले भाइयों को मेन नीड होती है, जो नीड होता है, तो ये जो आवाज कर रहा है ये क्या है? फ्रंट सेंसर, फ्रंट सेंसर है, ठीक है, ये आफ्टर मार्केट में आता है, आफ्टर मार्केट में आता है, महिंद्रा का ही होता है, ठीक है, महिंद्रा एक्सेसरीज होते हैं, ठीक है, महिंद्रा एक्सेसरीज है, लेकिन है तो आफ्टर मार्केट ही, महिंद्रा भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरी में इसको इंस्टॉल करती है, हाँ। वो भी हमने फॉग लैंप में जहाँ पे स्पेस होता है वहीं पे इंस्टॉल करा हुआ है, हाँ। इसको फ्रंट टू सेंसर, बस इतना ही काम था इसके अंदर, बिल्कुल, ठीक है। तो एक बार कस्टमर का भी फीडबैक जानते हैं, अगर आप चाहो तो इसके अंदर ये वाले बेजल्स वगैरह सब चेंज करवा सकते। सो फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एंड Z2 का काम कम्प्लीट हो चुका है, सर की गाड़ी रहने वाली है, सर का नाम जानते हैं सबसे, राजेश चोपड़ा, ठीक है। तो कहाँ से ट्रैवल करके आए हैं? हम लोग पहाड़गढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कैसे पता लगा आपको Z2? यूट्यूब और तो पॉपुलर हो गया, अपने किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा वीडियोस देखी थी आपने वैसे ही काम मिला या नहीं? इससे बेटर मिला है, इससे बेटर मिला है, पहले मुझे बोला नहीं तो मुझे लगा कुछ कमी रह गई होगी तो मतलब सेटिस्फाइड हैं आप? 100%, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी डीलिंग है, जेन्युइन पार्ट्स हैं और वर्कमैनशिप जो है वो एक्सीलेंट है, ओके। पूरी टीम, सिर्फ ऐसा नहीं कि सोनू जी या चमुंडा भाई, ये नहीं, पूरी टीम बहुत एक्सीलेंट काम करती है, बहुत अच्छा काम है, बड़ा तसल्ली से काम है, जरा सी प्रॉब्लम बताई जाए तो उसे रिप्लेस ही करें, ठीक है। तो अभी दूसरी विजिट करेंगे आप, और भी चीज़ें थी, कम काम हुआ था आपकी गाड़ी में? अभी आपको चीज़ें रह गई हैं, एक तो मैं सनग्लासेस के लिए एक स्टैंड चाह रहा था, उसमें LED भी है, वो भी अवेलेबल नहीं है इस मॉडल के लिए, पर्टिकुलर इस मॉडल के लिए नहीं है, गाड़ी अभी मेरे एक हफ्ता ही हुआ है रोड पे आए हुए, डिलीवरी लास्ट संडे डिलीवरी है, नेक्स्ट संडे इनके पास आ गई है। पहले जब हम स्टार्ट करते थे नीचे से स्टार्ट करके बेसिक चीजें लगाते थे, हम अब टॉप से स्टार्ट कर रहे थे, रोड पे हमने पूरा कंप्लीट दिखा दी थी पिछली वीडियो में, अब हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं कि आगे क्या कर रहे हैं। इसलिए कि भाई हर वीडियो में कमेंट ना डाले कि भाई ये वाइपर हो सकता नहीं, वॉल्व हो सकता नहीं, आप पहली वीडियो में देख सकते हो Z2 हर काम के लिए खड़ा है आपके सामने, जो भी करवाना आप यहाँ पे आ सकते हो। अब जो जो गाड़ी आ रहा है बेसिक काम के लिए, सारी वीडियो आपके सामने रखता जा रहा हूँ, इस वीडियो से देख के आपको जो जो काम करवाना है वो एक लिस्ट बना करके हमारे पास आ सकते हैं, और सारा काम हमारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जेन्युइन काम और महिंद्रा जेन्युइन पार्ट मिलेगा। ताकि मैं सबसे पूछता हूँ एंड में, रेटिंग की बात करूँ तो सर कितनी रेटिंग दोगे 10 में से? 10 में से मैं 100% दूंगा, 10 में से 10 ही दूंगा। 10 में से 10? कोई मार्क्स काटने हैं तो काट सकते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल काटने की गुंजाइश छोड़ी नहीं है, ठीक है। मैम से पूछते हैं, मैम आपको रेटिंग की बात करूं? रेटिंग मेरी 10/10 है इनकी, 10/10। मैं पूरा दिन यहाँ, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग आते हैं तो बोर हो जाते हैं, बट मैं पूरा इन्वॉल्व थी, हैपनिंग है, बहुत कुछ है, एक्सेसरीज में देखते रहते हैं, बाकी एक्सेसरीज हैं, बैक टू बैक गाड़ी है, बहुत सारी इन्होंने और नई जानकारी दी, और गाड़ियों में क्या हो सकता है वो भी इन्होंने बताया, जब एक ही गाड़ी लेके आई हूं बट इन्होंने बहुत कुछ सारी जानकारी दी, ठीक है, थैंक यू। यही थी अपनी वीडियो आज की। तो चामुंडा भैया मुझे कुछ एक्सेसरीज दिखा दो आप स्कॉर्पियो Z2 वाले, कोई भी भाई देख रहे हो उनके लिए। फाइनली हमने आपको Z2 तो दिखा दी, लेकिन जो Z2 में चीज़ें लगने वाली और चीज़ें हैं वो दिखाते हैं अब।
जेट टू के अंदर काफी चीज लग सकता है। जेट टू में अगर तरीके से देखा जाए तो उसी रिम को हटाकर उसी टायर के अंदर अगर हमें अलॉय व्हील लगाना हो तो 17 इंची लग सकता है। ठीक है, अगर किसी का मूड नहीं है टायर चेंज करवाने का, 18 इंची करना हो, टायर चेंज करना हो, प्रोफाइल बदलना हो, ठीक है, तो फिर आप वो 17 इंची हटा के पूरी कम्प्लीट 18 इंची डाल सकते हो। ठीक है, ये है 17 इंचेस, ये है 18 इंचेस, ये 17 इंचेस, ये 18 इंचेस होगा। ठीक है, ये जो भी आएगा आपका महिंद्रा जेन्युइन पार्ट आएगा, एमआरपी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एमआरपी के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो डिस्काउंट होता है ये नहीं कि कंटिन्यू चलता, कई बार डिस्काउंट ज्यादा आता हमें, कई बार नहीं आता, तो अभी डिस्काउंट आ रहा है तो 10% की डिस्काउंट इस पे आप लेकर चलना एमआरपी के ऊपर। बस क्या बात, अब टायर कई ग्राहक कहते हैं कि भैया हमें टायर बदल करके दोगे क्या इसके अंदर, तो कभी भी टायर उसके अंदर नहीं बदला जाता। टायर आपकी गाड़ी का जो होता है कंडीशन देख करके माइनस किया जाता है, और आप टायर जो पसंद करते हो, अलग अलग कंपनी का टायर आता है, अलग अलग प्रोफाइल का टायर आता है, तो उसके हिसाब से प्राइस होता है। ठीक है, वो कंडीशन प्लस दोनों टायरों की अलग कंडीशन अलग होता है। वो कंडीशन हमारी 18 इंचेस में होगी, 17 इंचेस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सेम टायर में लग गया, ये अलॉय का काम हो गया। अब हो गया फ्रंट प्रोफाइल में अगर जाते हो तो इसके अंदर होता है Z8L, अगर हम बनाते हो तो इसमें हेडलाइट। ठीक है, Z2 में, Z4 में, Z6 में अगर लाइट नहीं आती है प्रोजेक्टर वाली, अगर किसी भी भाई को करवाना हो तो टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है। ठीक है, ये 30,000 रुपए की एमआरपी आता है। अगर किसी भी भाई को लगवाना तो 10% डिस्काउंट पे आप हमारे यहाँ से लगवा सकते हैं। ठीक है, प्राइसिंग भी चामुंडा भैया ने बता दी। फॉग लाइट ये 13,000 रुपए एमआरपी आता है, सेटअप दो पीस का। ठीक है, सिंगल सिंगल की अलग 6500 10% डिस्काउंट पे भी आप ले सकते हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, इसकी ब्रैकेट अलग आता है। ठीक है, इसके लिए बेजल लगता है, ये अलग है, अलग आता है, ये वायरिंग अलग आता है। कोई भाई कहते हैं कि भैया फॉग लाइट में वायरिंग भी करके दो, एक नॉर्मल वायरिंग आता है, कॉम्बिनेशन वायरिंग आता है, एक नॉर्मल वायरिंग आपको आराम से 700-800 रुपए में लग जाता है, एक कॉम्बिनेशन वायरिंग है, ये होता है डब्बी के ऊपर जो किस रेट में हमारा तो फ्लेक्सिबल होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसकी कॉस्ट जो अपना आता है वो ऑन काउंटर ही होता है। ठीक है, ठीक है, ऑन काउंटर आपको मतलब आरपी चीज वाली पार्ट नहीं है। ठीक है, बेसिकली एक फॉग लैंप लगाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, पार्ट लगता तब जाकर फॉग लाइट कंप्लीट होता है। आप कहीं भी लगवाते हो नॉर्मली एक रिले वायरिंग से लेकर के बैटरी से टांग के आपको हेडलाइट से कनेक्शन करके दे देगा, अंदर कॉम्बिनेशन स्विच से चालू करके नहीं दिया जाता, उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन वायर बनाना जाता है। ठीक है, उसके लिए काफी काफी प्रोग्रेस होता है, वो बहुत अंदर तक की बात है। ठीक है, अब बच गई बात फ्रंट की ग्रिल्स। ठीक है, तो फ्रंट के ग्रिल्स में मैं दिखाता हूँ, तो फ्रंट में जैसा कि Z2 में अपना आता है ग्लॉसी ब्लैक आता है टॉप मॉडल, और Z4 में अपना सैटन सिल्वर, और टॉप में आता है क्रोम। तो सीधा डायरेक्टली टॉप वाला। ठीक है, आपका रिप्लेस वाला पार्ट हो जाएगा, जो आपके ग्रिल में लगा हुआ है वो चेंज होके अपना क्रोम में लग जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, तो ये लगवा सकते हो आप जैसा हम वीडियोस में शो करते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे की स्कीड प्लेट वगैरह होता है वो आप पेंट करवा सकते हो, कभी भी नया पार्ट नहीं आता। ठीक है, वो उसी पार्ट को खोल के सिल्वर किया जाता है। अपने पास फैसिलिटी अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो भी मैं करवा के दिखा रहा हूँ आपको। बबलू एक बार स्कीड प्लेट निकाल करके दिखा दो। योगी, अब हो गया साइड मिरर। ठीक है, Z2 में मेन नीड है साइड मिरर, क्योंकि साइड मिरर अंदर बटन से एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसके अंदर होल्डिंग तो दूर की बात है ना, अंदर डंडी से एडजस्टमेंट है Z2 में, उसमें यहाँ से होता है, उसमें ऐसे हाथ से सेट करना पड़ता है। ऑटो फोल्ड ले लो जो भी करना हो आपको, तो उसके लिए लगता है वायरिंग एंड स्विच, रिले एंड वायरिंग। पूरे प्लग एंड प्ले आप देख सकते, प्लग एंड प्ले ये प्लग एंड प्ले है। हाँ, इसके साथ आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल पूरी कंट्रोल होगा इसके साथ, और वो भी जेन्युइन महिंद्रा है अपना। ये अभी हमने निकाल रखा है इसलिए कि वो दिखाने के लिए, अपने पास डब्बा पैक होगा सारा, मैं बस ये वन शॉट में सारा सामान आपको काउंटर पर दिखने के लिए। ये देख सकते हैं कहां से कहां तक सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। लोअर गार्निश भी देख लो, लोअर गार्निश मैंने दिखाया ही नहीं, लोअर गार्निश हम दो वीडियो से दिखा नहीं रहे, लेकिन अपने पास फुल स्टॉक में पड़ा हुआ है। ये रहा, इसकी काफी डिमांड है, मोस्टली Z4 Z6 वाले सारे भाई ये लगाते हैं, यही चीज लोगों को। लेकिन आजकल सबको डार्क एडिशन बनाने का एक चस्का चढ़ा हुआ है ब्लैक वाली, बट वो भी अच्छी लुक है। ठीक है, पूरी ब्लैक रखने में भी अच्छा लुक आता है। सही है, नेक्स्ट चीज, अब सोनू भाई ने भी हमें ज्वाइन करा हुआ है, तो सोनू भाई क्या दिखा रहे हो? ये रहा ना नीचे की स्कीड, सोनू भाई स्किड प्लेट दिखा रहे हैं, और ये फ्रंट स्पीड हो गया। ठीक है, ये रेयर है, ये रेयर है, ये रेयर है, देखो ना टायर की गोलाई के हिसाब से। ठीक है, स्किड प्लेट भी अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, और ये दोनों जितने चाहिए मतलब फुल स्टॉक एक गाड़ी में, एक सेट लगेगा।
ठीक है, तो ये सेट लगेगा एक गाड़ी के लिए वो ये। ठीक है, तो अगली चीज क्या दिखा रहे हो? अभी बाहर बाहर की चीज दिखा रहे पीछे बम्पर की लाइट। ठीक है, ये रिफ्लेक्टर आफ्टर मार्केट है, महिंद्रा जेन्युइन नहीं। इसमें भी गजब बता रहा, स्मोक कलर में भी आ रही है, बहुत शानदार। तो पहले हमने एक वीडियो में दिखा रखी है, दिखा रखे हम दोनों, दिखा रखे हैं। इसके बाद रेयर गार्ड सेफ्टी गार्ड हो जाता है इसके अंदर। हाँ, साइड का फुटरेस्ट, साइड का फुटरेस्ट जो कि हम सारे जेन्युइन महिंद्रा इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखो ना महिंद्रा, महिंद्रा की पैकेजिंग में आता है ये रहा। पूरा ओपन करके तो पॉसिबल नहीं है दिखाना, अभी हमने गाड़ी में जैसा दिखा दिया, स्क्रैच लग जाता है इसमें। ग्राहक कहता खोल के दिखाओ, हमें लगाते समय। ठीक है, तो अभी हमने इंस्टॉल भी करा था यही सेम Z2 के अंदर, तो ये भी अवेलेबल है फुल। रूफ रेल भी अवेलेबल है सिल्वर। तो चामुंडा भैया किसी को ब्लैक Z4 वाली चाहिए, Z4 वाली भी मंगाने वाले हैं, वो भी अवेलेबल रहेगी आगे से। ठीक है, तो किसी को फुल ब्लैक चाहिए वो Z4 के अंदर आता है, Z6 वाला चाहिए तो ये रहा। मैं तो सोच रहा हूँ ज्यादा ब्लैक वाली रखूँ जाके, ब्लैक ज्यादा अच्छी लगती है वो, ब्लैक गाड़ी में ब्लैक सूट करता है, काफी अच्छा लगता है। तो आप सिल्वर वाला भी है ये भी इंस्टॉल करवा सकते हो। मैं तो अपनी Z2 में ब्लैक ही लगाऊंगा। ठीक है, आप ले रहे हो? ले लूंगा। सोनू भाई का थार और उसमें मन बदल गया, थाईलैंड जाना बस और कुछ नहीं, और वो भी अपनी गाड़ी से। ठीक है, हमें नहीं लेना Z2। अच्छा, आपको वर्ल्ड टूर करनी है क्या? एक लंदन जाना भाई Z2 लेके, Z8 लेके। एक भाई गए हुए हैं, उनको उनको देख के इंस्पायर हो गए सोनू भाई। ठीक है, तो अगली चीज क्या दिखा रहे हो? अब अंदर। ठीक है, तो अंदर क्या गाड़ी के अंदर? अच्छा, ये तो बहुत जरूरी चीज है, कुछ ये तो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, है चीज ये बता दो क्या है, ये कौन से वेरिएंट में आता है, क्या है ये चीज? है अपने पास OEM वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, टॉप मॉडल वाला Z8 वाला। ठीक है, ये भी है? हाँ। Z2 में लग जाएगा? अरे लगा के दूंगा मैं, लिया किस लिए, लाया किस लिए। ठीक है, अब ये भी आ चुका है अपने पास, अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल पीस है ये। इसमें नीचे जो बटन होते हैं वो सब सेट करेंगे, जब मैं करके दूंगा तो सब चीज करके दूंगा। ठीक है, Z2 के अंदर बिल्कुल, तो उसकी भी प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे हम जब इंस्टॉल होगा। अब नॉर्मल इसका नॉर्मल फ्रेम आता है, ये जो है ये ग्रिल यहाँ साइड में, अपने Z2 में आता है, Z2 में आता है, Z6 तक आता है, इधर देखो ब्लैक, और इसकी पेंट की क्वालिटी भी आप देख सकते हो। ठीक है, Z8 वाली, ये Z8 वाली है, इसकी पेंट की क्वालिटी अलग, और इधर क्रोम फिनिश है। ठीक है, इसमें क्रोम फिनिश में आता है ये साइड्स में, ये देख सकते हैं, ये Z6 तक भाई के लिए, Z6 Z4 वाले भी कोई भाई लगवाना चाहते तो ये चीज हमारे पास स्टॉक। अपने पास स्टीरियो का फ्रेम भी आ चुका है। हाँ। तो ये भी अपने पास ऑप्शन है, और ये इसमें अभी तक हम लेदराइट दिखा रहे थे, टॉप मॉडल का आराम रेस्ट, टॉप मॉडल का, लेकिन हमारी फिनिश भी सेम यही होती है, सेम फिनिश होती है, बट किसी भाई को चाहिए टॉप मॉडल वाली चाहिए भाई, मैं अलग से नहीं लगवा रहा, उन भाई के लिए। तो उन भाइयों के लिए हम लेके आ चुके हैं जो टॉप मॉडल वाला, महिंद्रा जेन्युइन ही चाहिए मुझे, तो उनके लिए, उनके लिए, कई भाई कहते मेरा सारा काम ही जेन्युइन करवाना, लेकिन मुझे इससे ज्यादा कंफर्टेबल सॉफ्ट टच वाला अपना लग रहा है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, इसमें कम है, इसमें काफी अच्छा है, उसमें प्रॉपर बढ़िया मिलता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने दिखा दी, अगली क्या चीज दिखा रहे हो? अच्छा, ये आ गया, काफी दिनों बाद देख रहा हूँ इसे मैं, पहले भी आया हुआ था। ठीक है, पहले एक इंस्टॉल भी करा हुआ था। हाँ। आपने वो अमान भाई के चैनल में दिखाया था आपने? हाँ, बिल्कुल दिखाया था। ठीक है, ट्विटर सैश अपने पास प्रॉपर आ चुका है, ट्विटर सैश आ गया, ये Z2 Z4 दोनों में लग जाएगा। ये ले लीजिए हमारे पास इसका पियानो ब्लैक, जो अपना डोर की प्लेट होती है, ये भी अपने पास फुल स्टॉक में आ गया। ये कंप्लीट सेट ऐसे बनता है, पूरी कंप्लीट सेट बनाने के लिए हमें पहले प्लेट, उसके बाद साइड मिरर वाला, और फिर ये पियानो ब्लैक, और ये पूरा वही है, ये अब बना कंप्लीट, ये पूरा पियानो ब्लैक है। ठीक है, इसके साथ तीन डोर के और होंगे पियानो ब्लैक स्विचेस, वो भी अवेलेबल है, ये देखो ना, ये तीन स्विच हो गए। ठीक है, ये स्विचेस है, तो ये भी अपने पास फुल अवेलेबल है स्टॉक में, जैसा पुरानी वीडियो में हमने दिखाया था ग्लॉसी ब्लैक स्टीयरिंग कंट्रोल्स, ये भी अपने पास आ चुका है फुल स्टॉक में, मतलब सारा सामान आ चुका है अब अपने पास स्टॉक में, ये देख लो, ये भी स्टॉक में, तो ये अपना ग्रैब हैंडल है, ये भी अपने पास, ये नहीं, ये पेंटेड है या कौन सा? नहीं, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, पेंटेड तो आप दो मर्जी करवा लो, सिल्वर कलर का भी आता है, पियानो ब्लैक भी करवा लो, कार्बन फाइबर करवा लो,
वो आपकी इच्छा, मैं कैटलॉग आपके सामने रखूंगा, जो सी कैटलॉग आप पसंद करते हैं वो आप अपनी मर्जी से करवा सकते हो। तो ये भी अपने पास फुल स्टॉक है। ये रहा अपना इनर हैंडल जो कि टॉप वेरिएंट वाला आता है, तो ये भी फुल स्टॉक में आ चुका है अपने पास। और ये क्या रखा हुआ है, ये सनग्लास होल्डर जो कि Z6 में आता है, ये सनरूफ वाला है ये। Z4 वाला अगर किसी को चाहिए, Z4 वैसे उसकी डिमांड है नहीं क्योंकि लाइट्स उसमें है नहीं, लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं आता ना उसमें, Z4 में नहीं आता, तो उससे अच्छा तो यही वाला लग रहा है। वो सरप्राइज रखते हैं कुछ बातें, Z4 वाले भाई के लिए भी देने वाला हूं मैं। ठीक है, और बाकी काफी चीजें आता है, तो ग्रैब हैंडल के हो गया, सारे जेन्युइन पार्ट में, कुछ ये नहीं है, ग्रैब हैंडल वगैरह जितने भी वो सारे जेन्युइन पार्ट में है। इसमें एक डब्बे का वीडियो दिखाया ना ग्रैब हैंडल, इस बॉक्स का 3 बॉक्स का इधर है। चामुंडा भैया, जैसे इसका जो बाहर वाला हैंडल होता है उसमें एक क्रोम आता है। हाँ आता है, वो भी अपने पास। हाँ वो भी है, मैं दिखाता हूँ। तो मेरे को एक चीज दिखी है यहाँ पे, अच्छा बूफर है तो मैंने दिखाना ही भूल गया। तो अगर किसी भाई को ओरिजिनल वूफर इंस्टॉल करवाना है वो भी आ चुका है स्टॉक में, ये आप लगवा सकते हो। पर इसकी साउंड उतनी नहीं है जितना हम 12 इंचेस में लगाते हैं। लाउडनेस चाहिए, ज्यादा चाहिए साउंड, तो उसके लिए आपको JBL वूफर पे इंस्टॉल करना है जो 12 इंचेस का लगाते हैं। इसकी एक नॉर्मल एंड डीसेंट साउंड है, और ये हो गया फेंडर मिरर। ठीक है, ये एडिशनल आता है, एडिशनल एक्सेसरीज पार्ट्स में आता है। ठीक है, तो ये वाला मिरर भी मिल जाएगा अपने पास। टोटली सारा स्टॉक अपने पास अवेलेबल है, स्कॉर्पियो एंड गेले। ठीक है, इस वीडियो में इतना दिखाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी दिखाएंगे, और भी कुछ दिखाऊंगा क्योंकि ये लेंथी हो जाएगी ज्यादा वीडियो। ठीक है, तो एंड करने का टाइम आ चुका है, वाइपर वगैरह भी जो भी लगवाना सब हमारे पास स्टॉक है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।